अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ज़िलहिज्जा के चांद नज़र आने के बाद नाखून और बाल तरसवाना चाहिए या नहीं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हज़रात, लोग एक सुन्नत को तर्क कर रहे हैं। मुसलमानों को चाहिए कि इस सुन्नत को जिंदा रखे। जिन सुन्नतों को मुसलमान छोड़ रहे हैं उनमें से एक सुन्नत ये भी है, जो शख्स कुर्बानी करना चाहे वाजिब या नफिल, उसको मुनासिब नहीं के बाल कटवाए या नाखून तरसवाए जब तक कुर्बानी ना कर ले, यानी चांद रात से ना बाल कटवाए ना नाखून जब तक वो कुर्बानी ना कर ले। इसलिए कि इमाम मुस्लिम ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने फरमाया, जब असर ज़िलहिज्जा आए और तुम में से कोई कुर्बानी का इरादा करे तो अपने बालों और बदन से कुछ ना काटे। और एक रिवायत में है कि हरगिज़ अपने बाल और नाखून ना काटे। ये सुन्नत तो उसके लिए है जो कुर्बानी का इरादा रखता है, ताकि वो सुन्नत का सवाब पाए। और जो कुर्बानी का इरादा ना रखता हो या मालिक निसाब ना हो, वो भी अपने बाल और नाखून ना काटे। इसके एवज में भी अल्लाह तबारक व ताला उसे कुर्बानी का सवाब अता फरमाएगा।